हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव, आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर राजीव रतनराय में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोग और उसका होम्योपैथिक इलाज, साथ में बताएंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि युद्ध के मैदान में अगर आपके हथियार अच्छे हैं तो आप शत्रु पर जो है विजय जो है निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो रोग एक शत्रु के रूप में है और हमारी दवाएं एक हथियार के रूप में है, और हमारा हथियार जितना कारगर होगा उतना ही अच्छा हम युद्ध में जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो है इसी जो है संबंध में बात करेंगे कि कौन सी कंपनी की दवा जो है ज़्यादा कारगर है और किस रोग में कौन सी जो है दवा दिया जाए। इस सारी चीज़ों का हम चर्चा जो है आज की वीडियो में हम करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रोग और दोस्तों, होम्योपैथ की उत्पत्ति जो है जर्मनी से हुई है, और डॉक्टर हैनीमैन साहब हमारे जो है जो होम्योपैथिक के जन्मदाता हैं वो जो है जर्मनी में ही पैदा हुए थे। जर्मन जो है होम्योपैथिक क्षेत्र में एक ब्रांड है, और जर्मन की दवाएं जो है काफ़ी जो है लाभप्रद करती हैं, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग का तरीके काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी साफ सुथरे वातावरण में जो है ये दवाओं का निर्माण करते हैं, और इनकी दवाएं जो है पूरी तरह से साइंटिफिक जो है मेथड से जो है बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में एक कंपनी जो है जर्मन की आती है एडल। एडल जो है दवाएं बनाती है जर्मन की, और होम्योपैथ में जो है रोगों में इसका जो है काफ़ी अच्छा उपयोग हो रहा है। एडल के बारे में बहुत से कम लोग जानते हैं, इसलिए आज हम एक वीडियो जो है आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं और रोग और उसकी जो है एडल में होम्योपैथिक दवा जो है बताया जा रहा है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं सर्दी जुकाम से, क्योंकि हर घर में सर्दी जुकाम की समस्या जो है बनी रहती है। अगर घर में आपके सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती है तो कुछ दवाएं मैं बता रहा हूँ उसको आप एडल कंपनी में मंगा के रख लें और सर्दी जुकाम हो जाने पर उसका उपयोग करें तो इससे जो है काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, सर्दी जुकाम हो जाने पर आप एडल में जो है एकोनाइट 30 पोटेंसी में, जेलसीनियम 30 पोटेंसी में, आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में और एलियम सिपा 30 पोटेंसी में, इन दवाओं को जर्मन कंपनी में मंगा के रख लें, और सर्दी जुकाम होने पर लक्षण के अनुसार 5-5 गुण 3 बार एडल कंपनी जो है एक ड्रॉप बनाती है सर्दी जुकाम की, एडल 23 जो है अगर हम 10-10 गुण 3 बार यूज़ करते हैं तो सर्दी जुकाम में काफ़ी फायदा रखता है। दोस्तों, एडल जो है एक बायोकेमिक दवा भी बनाती है जिसका नाम है एडल 6। एडल 6 जो है अगर 4-4 गोली 4 बार लिया जाए तो सर्दी जुकाम में काफ़ी राहत आता है। अगली जो है दोस्तों, जो रोग है वो उसमें आता है खांसी। खांसी में जो एडल कंपनी की दवा यूज़ में आती है वो इपिकाक, कॉस्टिकम और एंटीमटाट, इन दवाओं को आप एडल कंपनी में मंगा के रख लें और ज़रूरत पड़ने पर लक्षण के अनुसार 5-5 गुण 3 बार लें। एडल कंपनी खांसी के लिए ही एक ड्रॉप बनाती है एडल 7। एडल 7 जो है 10-10 गुण सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लिया जाए तो इससे जो है खांसी में काफ़ी राहत रहती है। साथ में इसकी बायोकेमिक दवा भी है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6, 4-4 गोली लेकर के 3 बार अगर यूज़ किया जाए तो खांसी की समस्या में काफ़ी आराम मिलता है। अगला दोस्तों, जो रोग है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में जो है सांस की नली में सूजन हो जाता है, खांसी सर्दी जुकाम बुखार रहता है, सीने में दर्द रहता है, तो ऐसे समय में आप जो है आप जो दवा यूज कर सकते हैं एकोनाइट 30, इपिकाक 30 और ब्रायनिया 30, ये एडल कंपनी बनाती है, आप इसको मंगा करके घर पर रख सकते हैं। साथ में एडल 83 सिरप आता है उसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रोंकाइटिस समस्या में एडल जो है 83 सिरप काफ़ी अच्छा वर्क करती है।
अगला दोस्तों जो रोग है वो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा में जो है खांसी, सर्दी, जुकाम, बदन दर्द, ये समस्याएं बनी रहती हैं, ये लक्षण आते हैं। इसमें आप जो दवा उपयोग कर सकते हैं जुपिटोरियम पफ 30, साथ में एडल जो है एक ड्रॉप बनाती है एडल 87 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लें, और साथ में जो है बाय कॉम्बिनेशन जो है आप 5 नंबर यूज कर सकते हैं, या आप जो है फेरम 4-6x जो है यूज कर सकते हैं, 4-4 गोली 4 बार। अगला दोस्तों जो इसमें रोग आता है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि जो है रात में नींद नहीं आती है, नींद न आने की समस्या बनी रहती है, तो आप इसमें पैसिफ्लोरा क्यू लेकर के 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम यूज कर सकते हैं। और एडल जो है एक दवा बनाती है एडल 25, जिन लोगों को नींद ना आती हो, नींद ना आने की समस्या है, तो ऐसे लोगों को एडल 25 10-10 बूंद 3 बार दिया जाए तो ये बहुत अच्छा काम करती है। साथ में आप बायकेमिक दवा कालीफॉस 6x 4-4 गोली 4 बार यूज कर सकते हैं। अगला दोस्तों जो रोग है मानसिक कमजोरी और मेंटल स्ट्रेस में जो दवा दोस्तों जो यूज़ होती है एसिडफॉस 200 एक बार नित्य 5 बूंद लें। इसके अलावा एडल जो है जो ड्रॉप बनाता है वो है एडल 51 लेकर के 10-10 बूंद 3 बार लिया जाए तो जो है मेंटल स्ट्रेस में काफ़ी जो है रिलीफ मिलता है। साथ में आप 5-4-6x यूज कर सकते हैं 6-6 गोली 3 बार। अगला दोस्तों जो रोग है कुछ लोगों में गुस्सा बहुत आता है और गुस्सा आ जाने पर जो है बहुत तोड़ फोड़ मचा देते हैं या किसी को उल्टा सीधा कह देते हैं या गुस्से की वजह से उनकी और समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो दोस्तों ऐसे रोग में आप कैमोमिला 1 mg सप्ताह में 1 बार 5 बूंद या कैमोमिला 200। दोस्तों बहुत ज़्यादा गुस्सा आने पर आप कैमोमिला तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ में जो है एडल जो है एक ड्रॉप बनाती है एडल 19 भी जो है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, और 10 बूंद लेकर के सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम अगर रेगुलर जो है 2-3 महीने तक यूज़ किया जाए तो जिन लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उनका गुस्सा जो है शांत होता है। अगला दोस्तों जो रोग है इसमें जो है ये डेंगू बुखार या चिकनगुनिया जिसको हम बोलते हैं। दोस्तों डेंगू बुखार में शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, बुखार रहना, इस तरह की समस्या रहती है, तो आप डेंगू हो जाने पर जुपिटोरियम पफ 30 जेलसीमियम 30 यूज कर सकते हैं 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम। इसके अलावा जो है एडल जो है 87 ड्रॉप बनाती है नंबर है उसका, उसको 10-10 बूंद 3 बार अगर यूज़ किया जाए जेलसीमियम 30 के साथ और जुपिटोरियम 30 के साथ में तो ये बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स जो है करती है। दोस्तों बालों का झड़ना जो है हर घर की समस्या है, महिलाएं और पुरुष दोनों जो है बालों के गिरने की समस्या से परेशान रहते हैं, तो दोस्तों एडल इसके लिए एक ड्रॉप बनाती है एडल 9 10-10 बूंद 3 बार यूज़ किया जाए, साथ में जेबरांडी मदर टिंचर लेकर के जो है नारियल तेल में मिला करके बाल के जड़ में लगाया जाए, साथ में आप नेट्रामयूर 30 एसिड फ्लोर 30 5-5 बूंद 3 बार सेवन करें तो बाल झड़ने की समस्या से जो है छुटकारा पा सकते हैं। अगला दोस्तों जो इसमें रोग आता है, कई बार देखा गया है कि महिलाएं जो है चेहरे पर जो है अनचाहे बाल आ जाते हैं, मूछ पर या दाढ़ी पे बाल आ जाते हैं जिसकी वजह से चेहरा जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है, तो महिलाएं जो है बाल हटाने के लिए जो है परेशान रहती हैं, तो उनके लिए ओलियम जैक 3x दवा आती है, इसको 2-2 गोली 3 बार लिया जाए, साथ में थूजा 30 लेकर के 5-5 बूंद 3 बार अगर यूज़ किया जाए तो चेहरे पर अनचाहे बाल है धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इस दवा को कंटिन्यूस 2-3 महीने तक यूज़ जो है करना होगा। अगला दोस्तों जो इसमें रोग आता है सर दर्द, महिलाएं पुरुष अक्सर जो है सर दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं, ऐसे समय में बेलाडोना 200 बार जो है लेकर के 1 बार 5 बूंद नित्य जो है लिया जाए, और साथ में एडल का ड्रॉप आता है एडल वन जो है हेडेक के लिए, माइग्रेन के लिए, शरदर्द के लिए ये ड्रॉप है 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लिया जाए, बहुत अच्छा वर्क करता है। एडल ही जो है बाय कॉम्बिनेशन दवा बनाती है
बीसी नंबर ट्वेल्व लेकर के चार चार गोली चार बार साथ में सेवन किया जाए तो जो है सर दर्द में आराम मिल जाता है। बेलाडोना 200 एक बार नित्य 5 घूम। एडल ड्रॉप जो है एक नंबर 10-10 घूम 3 बार लेकर के, और बॉय कॉम्बिनेशन नंबर ट्रैप्स लेकर के चार चार गोली 4 बार। दोस्तों बहुत से लोगों को स्टाई बिल्ली की समस्या जो है बराबर होती रहती है, बिल्ली की वजह से परेशान रहते हैं, आँखों के पलकों के ऊपर या पलकों के नीचे फोड़ा हो जाता है जिसको हम स्टाई बिल्ली बोलते हैं। तो ऐसे समय में पल्सेटिला 30, स्टेप्टिस गिरिया 30 लेकर के 5-5 गुण 3 बार लिया जाए। एडल का जो है ड्रॉप आता है एडल 87 जो है लेकर के 10-10 गुण 3 बार इसका उपयोग किया जाए, और साथ में जो है साइलिसिया जो है 6x लेकर के 4-4 गोली 4 बार सेवन किया जाए तो जो बिल्ली की समस्या होती है इससे छुटकारा पाया। दोस्तों 45-50 के बाद एक समस्या जो है शुरू होती है बुजुर्ग लोगों में, मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट की। ऐसे कंडीशन में कैल्केरिया फ्लोर जो है 1000 पावर में सप्ताह में 5 बूंद, कॉस्टिकम 30 5-5 बूंद 3 बार, और साथ में एडल एक ड्रॉप बनाती है एडल 17 जिसको बोलते हैं 10-10 बूंद 3 बार यूज़ किया जाए, और साथ में बाय कॉम्बिनेशन में कैल्केरिया फ्लोर 12x और शैलिसिया 12x 4-4 गोली जो है 4 बार यूज़ किया जाए। और एक ड्रॉप जो है ये कंपनी बनाती है सिनेरिया मार्टिमा आई ड्रॉप को रेगुलर 2-3 महीने तक जो है आँखों में डाला जाए। कॉस्टिकम 30 5-5 गुण 3 बार, कैल्केरिया फ्लोर 1 mm सप्ताह में, एडल 17 10-10 गुण 3 बार, कैल्केरिया फ्लोर जो है 12x सैलिशिया 12x 4-4 गोली 4 बार यूज़ किया जाए तो 3-4 महीने में कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद की समस्या से जो है छुटकारा मिल सकता है। अगला दोस्तों, घर में जो है जिनके बच्चे हैं अक्सर जो है कान दर्द की समस्या जो है आती है, कुछ बुजुर्ग लोगों में भी कान दर्द की समस्या शुरू हो जाती है, ऐसे में बेलाडोना 30 कैमोमिला 30 लेकर के 5-5 में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अगर सेवन किया जाए तो जल्द ही कान के दर्द से जो है आराम मिल जाता है और ये समस्या जो है ठीक हो जाती है। अगला दोस्तों जो है रोग है वह है मुंह के छाले। हर घर में किसी न किसी को यह समस्या जो है देखने को मिलती है, मुंह में जो छाले हो जाते हैं, खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है, छाले जीभ पर या होठों पर सफ़ेद रंग के या लाल लाल जाने जैसे हो जाते हैं। यह समस्या कई बार विटामिन की कमी की वजह से या पेट साफ न रहने की वजह से भी हो जाता है। ऐसे समय में आप जो है एडल में जो आप यूज कर सकते हैं बोरेक्स 30, मॉक्सॉल 30 और एसिड नाइट्रेट 30, बोरेक्स 30, मॉक्सॉल 30, एसिड नाइट्रेट 30, इन दवाओं को लेकर के 5-5 गुण सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अगर सेवन करें। और एडल जो है एक ड्रॉप बनाती है एडल 87 लेकर के 10-10 गुण 3 बार इसका सेवन किया जाए, और बेलाडोना 30, बोरेक्स 30, मॉक्सॉल 30 और एसिड नाइट्रेट 30, इन दवाओं का उपयोग जो है 5-5 गुण सुबह दोपहर शाम 3 टाइम किया जाए तो मुंह में छाले से जो है छुटकारा मिल सकती है। अगला दोस्तों जो रोग आता है दांत दर्द का, अगर आपके दांतों में दर्द है तो आप प्लांटिगो 30, बेलाडोना 30 लेकर के 5-5 गुण सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। इसके अलावा एडल जो है बीसी नंबर 21 बनाती है, 4-4 गोली आप 4 बार ले सकते हैं जो है अगर इन दवाओं का यूज़ करते हैं, प्लांटिगो 30 का, बेलाडोना 30 का, और दांत में जहां दर्द है वहां प्लांटिगो क्यू अगर आप लगाते हैं तो दांत के दर्द से जो है छुटकारा मिल सकता है और इस समस्या में आपको आराम मिल सकता है। अगली दवा जो दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं वो टॉन्सिल की। टॉन्सिल जनरली जो है गले के दोनों तरफ जो है ठंड लगने की वजह से निकल आता है, ये समस्या बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, कई बार बड़े लोगों में ये समस्या देखने को मिलती है, तो आप जो है इसमें बेलाडोना 30 और हिपरसॉफ्ट 30 200 पावर में भी इसको यूज कर सकते हैं। एडल इसमें एक ड्रॉप बनाती है एडल 24 ड्रॉप लेकर के 10-10 गुण 3 बार यूज़ किया जाए तो जो है
टॉन्सिल की समस्या में काफ़ी आराम मिलता है। अगला दोस्तों, जो रोग आता है इसमें भूख न लगना। कई बार लोगों को भूख न लगने की समस्या शुरू हो जाती है, ऐसे समय में आप एडल 34 लेकर के 10-10 बूंद 3 बार यूज़ करें, आपको भूख लगेगी। साथ में चेलिडोनियम क्यू और जेंटियाना क्यू लेकर के 10-10 बूंद 3 बार यूज़ करें। एडल 24 का यूज़ करें, एडल 34 का यूज़ करें और जो है जेंटियाना क्यू चेलिडोनियम क्यू लेकर के 10-10 बूंद 3 बार यूज़ करें। साथ में एडल जो है एक टॉनिक बनाती है, अल्फ़ा टॉनिक लेकर के 10-10 एम एल सुबह दोपहर शाम 3 टाइम यूज़ करें, आपको भूख अच्छी लगेगी और जो है इस समस्या से भी जो है भूख न लगने की समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगली जो है रोग जो है दोस्तों, देखा गया है कि लोगों को उल्टी या मिचली महसूस होती है, ऐसे लोगों को इपिकाक 30 आर्सेनिक एल्बम 30 लेकर के 5-5 गुण 3 बार, इपिकाक 30 आर्सेनिक एल्बम 30 लेकर के 5-5 गुण 3 बार अगर जो है दिया जाए तो उल्टी और जी मिचलाने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अगला दोस्तों, जो रोग है पेट दर्द। कई बार बच्चों को बड़ों को पेट दर्द की शिकायत हो जाती है, तो आप घर में कोलोसिन 30, मैग्नीशिया फॉस 30 और नक्सोनका 30 ये दवाएं रखें। कोलोसिन 30, मैथ फॉस 30, नक्सोनका 30 दर्द होने पर 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें और एडल जो है ड्रॉप बनाता है 5 नंबर, एडल 5 लेकर के 10-10 बूंद 3 बार यूज़ करें, पेट दर्द की समस्या से आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, कई बार खराब पानी की वजह से, दूषित फल खाने की वजह से जॉन्डिस पीलिया की समस्या लोगों को हो जाती है, आँखें पीली हो जाती हैं, भूख नहीं लगता है, पेशाब पीला होने लगता है, ऐसे समय में आप चेलिडोनियम क्यू कार्डुअस क्यू 10-10 बूंद 3 बार यूज कर सकते हैं और इसमें एक एडल ड्रॉप बनाती है एडल 3 लेकर के आप 10-10 बूंद 3 बार यूज कर सकते हैं कंटिन्यूस 15 से 20 दिन या 1 महीने तक अगर आप इन दवाओं का यूज़ करते हैं तो जल्द ही आपका जॉन्डिस ठीक हो जाता है। दोस्तों, हर घर में जो है देखा गया है कि कुछ लोग गैस की समस्या से परेशान रहते हैं, गैस की समस्या आम हो गई है, गलत दिनचर्या गलत खान पीन इसका एक वजह है। तो गैस ज़्यादा होने पर आप लाइकोपोडियम 30, कॉर्बोवेज 30 और इसके अलावा नक्सोनका 30 इन तीनों दवाओं को 5-5 दिन सुबह दोपहर शाम 3 टाइम यूज कर सकते हैं और एडल जो है एक ड्रॉप बनाती है एडल 5 लेकर के 10-10 बूंद 3 बार यूज़ करें, गैस की समस्या से आपको निजात मिलेगी। दोस्तों, बच्चों को अक्सर जो है लूज मोशंस की शिकायत हो जाती है, दस्त आने लगते हैं, पेट झरने लगता है, ऐसे समय में आप वेरेट्रम एल्बम 30, आर्सेनिक एल्बम 30, एलोस 30 इन दवाओं को 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम यूज कर सकते हैं। इससे जो है आपका जो है बच्चों को जो दस्त आ रही है वो ठीक हो जाएगा और इसके लिए एडल एक ड्रॉप बनाती है एडल 49 लेकर के 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दिया जाए। एडल 49 खास करके लूज मोशन में दस्त में बहुत अच्छा वर्क करती है, 10-10 बूंद 3 बार अगर यूज़ किया जाए तो लूज मोशन की समस्या से जो है निजात मिल सकती है। दोस्तों, इसी क्रम में जो अगला रोग आता है कब्ज़। बहुत से लोग कब्ज की समस्या से भी परेशान रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता है, ऐसे लोग नक्स 200 रात में एक बार सोते समय, ग्रेफाइटिस 200 और एलुमिना 200 एक एक बार यूज़ करें 5-5 वो और इसके लिए जो है एडल एक ड्रॉप बनाती है एडल 11 लेकर के 10-10 दिन 3 बार लिया जाए तो जल्द ही जो है कब्ज की समस्या से छुटकारा मिल जाता है और पेट जो है साफ होने लगता है। अगला दोस्तों, जो समस्या है इसी क्रम में पाइल्स यानी कि बवासीर, इनका पेट साफ नहीं रहता है, कब्ज रहता है हमेशा, तो उनको पाइल्स की समस्या भी डेवलप कर जाती है धीरे धीरे। तो ऐसे में आप सल्फर 1 में 5 बूंद एक बार सप्ताह में लें, नक्स 200 एक बार रात को सोते समय, कोलेंसोनिया 200 एक बार जो है नित्य सुबह दवाओं को यूज़ करें और साथ में जो है एडल एक ड्रॉप बनाती है एडल 2
एडल्ट टू लेकर के 10-10 बुक 3 बार अगर आप यूज़ करते हैं, और साथ में एडल्ट की ही बायो कॉम्बिनेशन नंबर 17 लेकर के 4-4 गोली 4 बार यूज़ करते हैं, तो बवासीर की समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। लिकार्टिनोस इस दवा को 2-3 महीने तक चलाना होगा। अगला रोग दोस्तों जो इसमें आता है ब्लड प्रेशर की, खास करके देखा गया है कि कुछ लोग ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान रहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर उनको रहती है। ऐसे लोगों को बेलाडोना 30, ग्लोनाइन 30 और रॉल्फिया क्यू, बेलाडोना 30, ग्लोनाइन 30 और रॉल्फिया क्यू लेकर के 10-10 बूंद 3 बार यूज़ करना चाहिए। बेलाडोना 30 5 बूंद, ग्लोनाइन 30 5 बूंद और रॉल्फिया क्यू 10 बूंद, ये जो है दिन में 3 बार यूज़ किया जाए। और साथ में जो है एडल एक ड्रॉप बनाती है, एडल एट जो है ड्रॉप लेकर के 10-10 बूंद 3 बार यूज़ किया जाए, तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। और जो है कंटिन्यूस काफ़ी दिनों तक अगर इसका यूज़ करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल होने लगता है। इसी क्रम में दोस्तों आता है लो बीपी। अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका लो रहता है तो आप चाइना 30 जो है 5-5 बूंद 3 बार, इसके अलावा कार्वेस 30 5-5 बूंद 3 बार, कैम्फर 30 5-5 बूंद 3 बार, इन दवाओं को 2-3 बार लें। और एक ड्रॉप जो है एडल बनाती है वो है डायाकार्ड ड्रॉप लेकर के 10-10 बूंद 3 बार अगर यूज़ किया जाए, और साथ में जो है चाइना 30, कार्वेस 30 और कैम्फर 30 5-5 बूंद 3 बार यूज़ कराया जाए, तो लो ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो जाता है। इस रोग में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल पाउडर भी 2-2 चम्मच 3 बार दें तो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर जो है सामान्य हो जाता है। अब दोस्तों अगला रोग जो आता है सिस्टाइटिस, मूत्राशय पदार्थ जो है यूरिनरी ब्लैडर में जो है दिक्कत आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब लगता है। तो ऐसे समय में कैंथ्रिस 30 बर्बेडिस वल्गेरिस क्यू लेकर के यूज जो है 10-10 बूंद 3 बार यूज कर सकते हैं। साथ में एडल जो है एक ड्रॉप बनाती है एडल 29 ड्रॉप लेकर के 10-10 बूंद 3 बार यूज़ किया जाए। कैंथ्रिस 30 बर्बेडिस वल्गेरिस 30 और इक्विजिटम 30, इन दवाओं को जो है साथ में यूज़ किया जाए तो सिस्टाइटिस यानी मूत्राशय पदार्थ की समस्या से जो है छुटकारा मिल सकता है और जल्दी आप ठीक हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप कमर दर्द की समस्या से परेशान रहते हो तो आप जो है रस्टॉक्स 200 एक बार नित्य 5 बजे सुबह, ड्राइनिया 200 5 बजे एक बार नित्य दोपहर में, एस्कुलस हिप 200 5 बजे रात में, सुबह दोपहर शाम जो है एक एक बार इन दवाओं को लेना है। रस्टॉक्स 200 5 बजे सुबह, ब्राइनिया 200 5 बूंद दोपहर में, एस्कुलसिक 5 बूंद रात में। इसके अलावा जो है एडल एक ड्रॉप बनाता है एडल फोर ड्रॉप लेकर के कमर दर्द की मरीजों को 10-10 बूंद 3 बार यूज़ करना चाहिए, इससे कमर दर्द में राहत मिलता है। अगला दोस्तों अगर आपके घर में किसी को चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो ऐसे समय में अर्निका 200 5 बूंद नित्य एक बार सुबह, रूटा 200 5 बूंद नित्य एक बार दोपहर में, रस्टॉक्स 200 5 बूंद एक बार नित्य शाम को। इसके अलावा एडल एक ड्रॉप बनाती है चोट लगने पे एडल 27 लेकर के 10-10 बूंद 3 बार अगर यूज़ किया जाए तो ओल्ड इंजरी में भी जो है काफ़ी राहत मिलती है और तत्कालिक चोट भी जो है ठीक हो जाती है। दोस्तों अगर जो है चोट लगने के बाद आपकी हड्डियाँ टूट गई हैं तो एक बार नित्य जो है सिंफाइटम 200 5 बूंद लें, और एडल 27 10-10 बूंद 3 बार लेकर के सुबह दोपहर शाम जो है आधा कप पानी में सेवन करें। साथ में कैल्केरिया फॉस सिक्स लेकर के 6-6 गोली 3 बार यूज़ करें तो हड्डियाँ जल्दी जुड़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों कई बार जो है लोगों को घर में कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, जिसमें मधुमक्खी हो गया, ततैया हो गया, मकड़ी हो गया, जिसकी वजह से स्किन पे काफ़ी जलन खुजली और स्वेलिंग हो जाती है। ऐसे समय में आप एपिस मेल 30, कार्बोलिक एसिड 30 और लीडमपाल 30, इन दवाओं को लेकर के एपिस मेल 30 एसिड कार्बोलिक 30 और लीडमपाल 30 लेकर के 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम सेवन करें। और साथ में एडल एक ड्रॉप बनाती है एडल 87 जिसको बोलते हैं, इस ड्रॉप को लेकर के 10-10 बूंद 3 बार सेवन किया जाए तो कीड़े काटने के बाद जो दिक्कत होती है, जो समस्या आती है, वो जल्द ही ठीक हो जाता है।
दोस्तों, कई बार जो है घर में खाना बनाते वक्त महिलाएं आग से जल जाती हैं। ऐसे समय में कैंथ्रिस 30 आर्सेनिक एल्बम 30 लेकर के 5-5 में सुबह दोपहर शाम के टाइम सेवन किया जाए, और कैंथ्रिस क्यूब जो है आप जल स्पॉट में जल गया है वहाँ जो है पानी में थोड़ा सा डाल करके लगाएं, और कैंथ्रिस क्यूब 10-10 बूंद 3 बार सेवन करें। जल जाने के बाद जो समस्या आती है, फफोले पड़ते हैं, घाव हो जाता है, उन सब में आराम मिलेगा। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि कुछ लोगों को यात्रा के दौरान उल्टियां महसूस होना शुरू हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा उल्टियां होती हैं गाड़ी में, ट्रेन में या एरोप्लेन में सफ़र करते हुए। ऐसे लोगों को अगर आप कॉकलस इंडिका 30 और पेट्रोलियम 30 लेकर के 5-5 दिन सुबह दोपहर शाम 3 टाइम रेगुलर 2-3 महीने तक सेवन कराएं, या यात्रा से पहले इस दवा का सेवन शुरू करा दें और यात्रा के दौरान भी इसको अपने साथ में रखें, तो यात्रा के दौरान जो उल्टियां होती हैं उसमें जो है आराम मिलेगा। इस बीमारी को कार सिकनेस भी बोलते हैं। दोस्तों, अब गर्मी का दिन आ रहा है, कई लोगों को गर्मी के जो है धूप में बाहर निकलने पर लू लग जाती है, सर दर्द होने लगता है, बुखार हो जाता है। ऐसे समय में आप ग्लोनाइन 30 बेलाडोना 30 लेके रख लें घर पे। इन दोनों दवाओं को 5-5 दिन सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अगर यूज़ करते हैं तो धूप लगने से, लू लगने से जो है जो समस्या आती है उसमें आराम मिलता है। दोस्तों, कई बार बच्चों को दांत निकलते समय काफ़ी तकलीफ होती है, वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, लूज मोशन होने लगते हैं, तो ऐसे बच्चों को कैमोमिला 30 और कैल्केरिया फॉस 30 लेकर के 5-5 दिन सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दिया जाए। साथ में जो है बच्चों को बाय कॉम्बिनेशन नंबर 21 लेकर के 2-2 गोली 3 बार नित्य दिया जाए, तो बच्चों को दांत निकलते समय जो तकलीफ होती है उसमें आराम मिलता है। कुछ बच्चे दोस्तों बड़ा होने पर जो है बिस्तर गीला करना शुरू कर देते हैं, बेड वेटिंग की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे मरीजों को बेलाडोना 30, इक्विजिटम 30, शीपिया 30 लेकर के 5-5 बूंद अगर सेवन कराया जाए तो जल्द ही जो बिस्तर गीला करने की समस्या है उसमें आराम मिल जाता है। महिलाओं को पीरियड आते समय या पीरियड के पहले ऋतुशूल्क डिसमिनोरिया की समस्या हो जाती है, जिसको ऐसे महिलाओं को कोलोफाइलम 30 और पल्सेटिला 30 और जो है कोलोसिन 30 लेकर के अगर 5-5 में 3 बार दिया जाए तो ऋतुशूल होने पर, डिसमिनोरिया होने पर जो दिक्कत आती है उसमें आराम मिल जाएगा। दोस्तों, महिलाएं अक्सर जो है लिकोरिया की समस्या से परेशान रहती हैं, सफ़ेद पानी आने की दिक्कत से परेशान रहती हैं। ऐसे महिलाएं सीपिया 30, बोरेक्स 30 और क्रियोजोटम 30 लेकर के 5-5 में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम सेवन करें, और एडल एक ड्रॉप बनाती है एडल 15 लेकर के 10-10 बूंद 3 बार सेवन करें, तो लिकोरिया की समस्या से जो है उनको छुटकारा मिल सकता है, आराम हो सकता है। दोस्तों, जो औरतें कमज़ोर हैं, जिनको यूटेरस संबंधी कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है, ऐसी महिलाओं के लिए चाइना क्यू, अशोका क्यू और अल्फाल्फा क्यू लेकर के 10-10 बूंद 3 बार सेवन कराया जाए तो औरतों की कमजोरी में काफ़ी लाभ मिलता है। चाइना क्यू, अल्फा अल्फा क्यू और अशोका क्यू, साथ में एडल एक सिरप बनाता है एडल 79 सिरप लेकर के 10-10 जो ML 3 बार सेवन कराया जाए, इससे काफ़ी लाभ मिलता है। और बाय कॉम्बिनेशन नंबर 1 लेकर के 4-4 गोली 4 बार सेवन कराया जाए तो काफ़ी अच्छा लाभ करता है। दोस्तों, नवयुवकों में अक्सर देखा गया है स्वप्न दोष की समस्या शुरू हो जाती है, ऐसे मरीजों को एसिड फॉस क्यू, सिलेनियम 30, नक्स 30 लेकर के 5-5 बूंद 3 बार यूज़ कराया जाए, स्टिफेसगेरिया 200 1 बार नित्य 5 बूंद सुबह, तो जो है उनको स्वप्न दोष की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। साथ में एडल 36 लेकर के 10-10 बूंद 3 बार यूज़ कराया जाए। दोस्तों, जो लोग स्वप्न दोष से पीड़ित रहते हैं उनको एसिड फॉस 30, सिलेनियम 30, नक्सोमिका 30, स्टेपेसगेरिया 200 और एडल का जो है ड्रॉप आता है एडल 36 लेकर के 10-10 में 3 बार यूज़ कराएगा। पुरुषों में जो सेक्सुअल वीकनेस होती है, पुरुषों में जो मर्दानगी में कमी आ जाती है, उसके लिए जो दवा है उसमें डामियाना क्यू, एग्नस कस्टस क्यू,
एसिड फॉस क्यू, अश्वगंधा क्यू, इन दवाओं को लेकर के 10-10 बुक 3 बार यूज किया जाए। डामियाना क्यू, एग्नस कॉस्टस क्यू, अश्वगंधा क्यू और एसिड फॉस क्यू, इन दवाओं को लेकर के 10-10 बुक 3 बार यूज कराया जाए। साथ में एडल का ड्रॉप आता है, एडल 85 10-10 बुक 3 बार यूज कराया जाए। तो जो सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है पुरुषों में, मर्दान में ये में कमी आ जाती है, उसमें काफ़ी आराम मिलता है। जो ओल्ड एज में जो पुरुष हैं उनके प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशाब करने में काफ़ी तकलीफ होती है, पेशाब खुल के नहीं आता है, ऐसे लोग सबाल सेडेटा क्यू, कोनियम 30 और पल्सेटिला 30 लेकर के 10-10 बुक 3 बार यूज़ करें। साथ में एडल एक ड्रॉप बनाती है प्रोस्टेट के लिए, एडल 21 लेकर के 10-10 बुक 3 बार यूज़ करें। बाय कॉम्बिनेशन में कैल्केजिया 4-12x लेकर के 6-6 गोली 3 बार यूज़ करें तो प्रोस्टेट संबंधी समस्या से जो है छुटकारा मिल सकता है। जो है पुरुष वीक हैं या जो महिलाएं वीक हैं उनके लिए एक टॉनिक आता है अल्फा अल्फा टॉनिक लेके 10-10 ml 3 बार यूज़ किया जाए। और साथ में जो है एडल के बाय कॉम्बिनेशन 28 लेकर के 6-6 गोली 3 बार यूज़ किया जाए तो वीकनेस दूर होता है, भूख अच्छी लगती है, शरीर में ताकत आती है, मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं। दोस्तों, अगर आपको गुर्दे में पथरी हो गई है और पेशाब में तकलीफ हो रही है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, पेशाब में खून आता है, तो आप बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू, हाइड्रेंजिया क्यू लेकर के 10-10 बूंद 3 बार लें, कैंथ्रिस 30, लाइकोपोडियम 30 5-5 बूंद 3 बार, और साथ में एडल एक ड्रॉप बनाता है एडल 22 लेकर के 10-10 बूंद 3 बार यूज़ करें, और साथ में बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू, हाइड्रेंजिया क्यू 10-10 बूंद 3 बार, कैंथ्रिस 30, लाइकोपोडियम 30 5-5 बूंद 3 बार यूज़ करें तो 2 से 3 महीने में पथरी गल जाती है, खास करके जो गुर्दे में पथरी होती है। अगर आप शुगर के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, तो आप सीजियम जम्बोलिकम क्यू लेकर के 10-10 बूंद 3 बार यूज कर सकते हैं। साथ में एडल एक ड्रॉप बनाती है एडल 18 शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए ड्रॉप है, 10-10 बूंद 3 बार यूज़ किया जाए। और साथ में बाय कॉम्बिनेशन नंबर 7 लेकर के 4-4 गोली 4 बार यूज़ किया जाए, और साथ में इंसुलिन 6x लेकर के 2-2 गोली 3 बार यूज़ किया जाए तो शुगर जो है जल्द ही कंट्रोल में आ जाता है। दोस्तों, अगर आप खुजली की समस्या से परेशान हैं तो सल्फर 30, मिजेरियम 30 और सोराइनम 30 लेकर के 5-5 गोली 3 बार यूज़ करें। साथ में एडल एक ड्रॉप बनाती है एडल 20 लेकर के 10-10 बूंद 3 बार यूज़ करें, और बाय कॉम्बिनेशन नंबर 20 लेकर के 4-4 गोली 4 बार यूज़ करें तो जल्द ही आपको खुजली की समस्या से आराम मिल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसियाँ हो रहे हों तो आप बेलाडोना 30, हिपरसॉप 30, शालिसिया 30, बेलाडोना 30, हिपरसॉप 30, शालिसिया 30 लेकर के 5-5 बूंद 3 बार यूज़ करें। और साथ में एडल एक ड्रॉप बनाता है एडल 12 लेकर के 4-4 गोली 4 बार आप एडल 12 लेकर के 10-10 बूंद 3 बार यूज कर सकते हैं, और साथ में साइलिसिया 12x लेकर के और 4-4 गोली 4 बार यूज कर सकते हैं। थोड़ी फुंसियाँ ज़्यादा होने पर बेलाडोना 30, हिपरसॉप 30, साइलिसिया 30 5-5 बूंद 3 बार, एडल 12 लेकर के 10-10 बूंद 3 बार और कैल्केरिया 4 12x 12 लेकर के आप 4-4 गोली 4 बार यूज कर सकते हैं। वहाँ से बहुत ज़्यादा हो रहे हो, वहाँसों से परेशान है तो बर्बेरिस वल्गेरिस की जगह आप बर्बेरिस एक्वाफोलियम जो है इसमें यूज़ करेंगे। बर्बेरिस एक्वाफोलियम जो है मुहासे के लिए बहुत अच्छी दवा है, इसको 10-10 बूंद 3 बार यूज़ किया जाए। और साथ में एडल एक ड्रॉप बनाती है एडल 12 लेकर के 10-10 बूंद 3 बार यूज़ किया जाए तो मुहासे की समस्या से जो है काफ़ी आराम मिल जाता है और मुहासे भी जल्दी ठीक हो जाता है। अगर आप रिंग मॉम की समस्या से परेशान हैं, दाद बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो आप सल्फर 30, शीपिया 30 और टेल्यूरियम 30 5-5 बूंद 3 बार यूज करें। रस्टॉक्स 200 एक बार नित्य जो है 5 बूंद यूज़ करें। और साथ में जो है एडल एक ड्रॉप बनाती है रिंग मॉम के लिए, दाँत के लिए एडल 20 लेकर के 10-10 बूंद 3 बार यूज़ करें। और साथ में बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20 लेकर के 6-6 गोली 3 बार यूज़ करें तो दाँत की समस्या से छुटकारा मिल सकता है और दाँत आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप स्किन डिजीज में
एक्जिमा से परेशान है, ड्राई एक्जिमा है, तो आप पेट्रोलियम 30, आर्सेनिक एल्बम 30 और सल्फर 30 लेकर के 5-5 मुंह 3 बार यूज़ करें, और एडल जो है 20 लेकर के 10-10 मुंह 3 बार यूज़ करें, साथ में बाय कॉम्बिनेशन 20 लेकर के 6-6 गोली 3 बार यूज कर सकते हैं। अगर आप वेट एक्जिमा से परेशान हैं, बहने वाले एक्जिमा से परेशान हैं, जिसमें से पंछा आता हो, उस टाइप का एक्जिमा आपको हो गया है, तो मॉक्सॉल 30, ग्रेफाइटिस 30 लेकर के 5-5 दिन 3 बार यूज कर सकते हैं। साथ में एडल 20 ड्रॉप लेकर के 10-10 दिन 3 बार यूज कर सकते हैं, बाय कॉम्बिनेशन एडल 20 लेकर के 6-6 गोली 3 बार यूज कर सकते हैं। अगर आपको अर्टिकेरिया है, जुलपुत्ती है, जुलपुत्ती की समस्या से परेशान है, तो आप जो है एपिसमेल 30, अर्टिका इग्नेंस 30 लेकर के 5-5 दिन सुबह दोपहर शाम 3 टाइम यूज कर सकते हैं। साथ में एडल 1 ड्रॉप बनाता है, एडल 12 लेकर के 4-4 गोली 4 बार यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको जो है वाट्स हो गए हैं, मस्से हो गए हैं चेहरे पर, गर्दन पे, शरीर में, तो वाट्स के लिए भी एक जो है एडल ड्रॉप बनाती है, उस ड्रॉप का नाम है एडल 40 यानी एडल 40 लेकर के 10-10 गुण 3 बार यूज कर सकते हैं। साथ में थूजा 200, एसिड नाइट्रिक 200, कॉस्टिकम 200, थूजा 200 एक बार नित्य 5 बजे सुबह, एसिड नाइट्रिक 200 5 बजे एक बार दोपहर में, और जो है कॉस्टिकम 200 5 बजे एक बार रात में यूज कर सकते हैं। साथ में एडल 40 लेकर के जो है 10-10 गुण 3 बार यूज कर सकते हैं। बायो कॉम्बिनेशन में आप सेलिसिया 12x लेकर के 4-4 गोली 4 बार यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इन दवाओं को कम से कम 3 महीने तक यूज़ करना होगा। अगर इन दवाओं का 3 महीने यूज़ करते हैं तो आपके वाट्स जो है जल्द ही गिर जाएंगे। दोस्तों, इसी क्रम में पैरों में कॉर्न हो जाते हैं, घट्टे हो जाते हैं, तो ऐसे समस्या के लिए एंटीम क्रूब 200, थूजा 200 लेकर के एक बार ये तो यूज़ करें, एंटीम क्रूब 200 5 बजे सुबह, थूजा 200 5 बजे एक बार जो है रात में, और साथ में एडल 1 ड्रॉप बनाती है एडल 86 लेकर के आप 10-10 गुण 3 बार यूज़ करें, जो है 2 से 3 महीने तक यूज़ करने पर आपके कॉर्न जो है ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आप सफ़ेद दाग से परेशान हैं तो आप सीपिया 30, नेट्रामिन 30 5-5 गुण 3 बार यूज कर सकते हैं। साथ में आर सल्फेगम 3x लेकर के 2-2 गोली 3 बार यूज़ करें, साथ में बॉक्सी आयल लेकर के जो है सफ़ेद दाग पे लगाएं और 4 से 6 महीने तक यूज़ करें, आपका सफ़ेद दाग ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप में खून की कमी है, शरीर में खून नहीं बन रहा है, ऐसे समय में चाइना 30 लेकर के फेरामेट 30 लेकर के 5-5 3 बार यूज़ करें, और साथ में एडल जो है 79 ड्रॉप बनाता है, इसको लेकर के जो है 10-10 3 बार यूज़ करें, और बाय कॉम्बिनेशन नंबर 1 लेकर के 4-4 गोली 4 बार यूज़ करें, तो जल्द ही खून बनने की समस्या जो है न बनने की समस्या ठीक हो जाएगी, शरीर में खून बनने लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको चाइना 30, फेरामेट 30 लेना होगा और एडल 79 का जो है यूज़ करना होगा लगातार 3 से 4 महीने तक। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, मोटापा से परेशान हैं, तो खाने पीने में अपने थोड़ा परहेज करें। फाइटोलका डेरी क्यू लेकर के 10-10 गुण 3 बार, फ्यूकस वर्स क्यू लेकर के 10-10 गुण 3 बार जो है यूज कर सकते हैं। साथ में एडल 1 ड्रॉप बनाता है एडल 13 लेकर के 10-10 गुण 3 बार यूज़ करें, जल्द ही जो है आपका वजन कम होगा, फैट जो है रिड्यूस होगा। दोस्तों, अगर आपको टिटनेस हो गया है, टिटनेस की समस्या हो गई, या कहीं सुई लग गई हो, या ईल लग गया हो, या कोई लोहा से चोट लग गई हो, तो ऐसे समय के लिए आप लीडम पाल जो है 1 mg हाइपेरिकम 1 mg लेकर के एक बार नित्य 5 मिनट सप्ताह में ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको गॉलब्लैडर स्टोन है, गॉलब्लैडर स्टोन की वजह से काफ़ी दर्द रहता है, पित्त की पथरी हो गई है, तो ऐसे समय में आप कोलेस्टिनम 3x 2-2 गोली 3 बार, चाइना क्यू 10-10 गुण 3 बार, चिलिडोनियम क्यू 10-10 गुण 3 बार लेकर के यूज कर सकते हैं। साथ में कार्डवस क्यू 10-10 गुण 3 बार यूज कर सकते हैं। आपको दोस्तों, अगर साइटिका है, साइटिका की समस्या से परेशान है, तो इसके लिए जो है एडल 1 ड्रॉप बनाती है एडल 39 लेकर के 10-10 गुण 3 बार यूज कर सकते हैं। साथ में कोलोसिन 30, नेफ्लियम 30, रस्टॉक्स 30 लेकर के 5-5 गुण नित्य 3 बार 2 से 3 महीने तक सेवन करते हैं। साथ में एडल 39 ड्रॉप लेकर के
जो है वो आप जो है 10-10 गोली 3 बार यूज करते हैं। मैग्नीशिया फास 30x लेकर के 6-6 गोली 3 बार यूज करते हैं तो जल्दी आपको साइटिका समस्या से निजात मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया रोग और उसकी होम्योपैथिक दवा। और होम्योपैथिक दवाओं में खास करके जर्मन की एक ऐसी कंपनी एडल जो बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसकी दवाएं जो है काफ़ी जो है बढ़िया है और रोग को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं, इसकी जानकारी हमने इस वीडियो में दी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियो बनाएं तो इसकी अतिशीघ्र सूचना आप तक पहुंच सके और आपको होम्योपैथ के बारे में, होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानने को मिले। दोस्तों इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, इस शुभकामना के साथ अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय होम्योपैथ।